नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसको भी दबा के ऑन कर लें लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजीव गांधी किसान न्यास योजना के तहत किसानों को दिए जा रहे हैं 4 किस्तों में 5700 करोड़ रुपए की सहायता राशि। जी हाँ दोस्तों, सभी किसानों के बीच ये जो सहायता राशि है 5700 करोड़ रुपए की, ये 4 किस्तों में किसानों को दी जाएगी। राजीव गांधी किसान न्यास योजना के नाम से सरकार द्वारा एक नई स्कीम चलाई गई है जिसके तहत 19 लाख किसानों को फायदा जो है होने वाला है। तो दोस्तों, प्रथम किस्त के तहत 1500 करोड़ रुपए जो है किसानों के खाते में हस्तांतरित कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्यास योजना की शुरुआत जो है 21 मई से कर दी है। सीएम भूपेश बघेल ने राजीव गांधी न्यास योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत राज्य के करीब 19 लाख किसान लाभान्वित होंगे। किसानों के खाते में 5700 करोड़ रुपए की 4 किस्तों में राशि जो है ट्रांसफर की जाएगी। योजना के शुभारंभ में यानी कि 21 मई को ही सरकार द्वारा पहली किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि जो है किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन भेजी जा चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बाद दूसरी बहुत ही अच्छी स्कीम होगी जिसके तहत किसानों को राहत दी जाएगी। किस हिसाब से सहायता राशि दी जाएगी तो दोस्तों, अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार जो है धान किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़, मक्का किसानों को 13,000 रुपये प्रति एकड़ व गन्ना उत्पादन वाले किसानों को 10 से 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि प्रदान करेगी। गन्ना फसल के लिए पेराई वर्ष 2019-20 में सहकारी कारखाना द्वारा क्रय किए गए गन्ने की मात्रा के आधार पर एफआरपी राशि जो है 261 रुपये प्रति क्विंटल व तथा प्रोत्साहन तथा सहायता राशि जो है 93.73 रुपये प्रति क्विंटल या अधिकतम 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, योजना में इन फसलों को किया गया है शामिल। अब कौन कौन सी फसलें जो है जिसके तहत पैसे मिलने वाले हैं तो दोस्तों, इस योजना में राज्य सरकार ने खरीफ 2020 में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुलथी, रामतिल, कोदो, काटकी तथा रवी में गन्ने की फसल को शामिल किया है। सरकार ने कहा था कि अनुदान लेने वाला किसान यदि गत वर्ष धान की फसल लेता है और इस साल धान के स्थान पर योजना में शामिल अन्य फसल लेता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रति एकड़ अतिरिक्त सहायता राशि जो है दी जाएगी। अब इस योजना में किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, क्योंकि कोरोना संकट काल के दौरान हुए लॉकडाउन के कारण विभिन्न वर्गों को नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान किसान वर्ग को हुआ है। इसके अलावा इसमें कई लोग बेरोजगार भी हैं, मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है, देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में यह योजना किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ सकती है। इस योजना में सीधे किसानों के हाथों में पैसा जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से इसमें भी पैसा ट्रांसफर किसानों के अकाउंट में किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस योजना में फसल उत्पादन को प्रोत्साहन भी मिलेगा और किसानों को उनकी उपज का सही दाम भी। छत्तीसगढ़ में कुल क्षेत्रफल का करीब 44% फॉरेस्ट लैंड है, जबकि छत्तीसगढ़ की 1/3 आबादी आदिवासी व जनजाति आबादी वाली है। तो दोस्तों, योजना के लिए पात्रता क्या क्या रखी गई है तो हम आपको बता दें, योजना के लिए पात्रता जो है इस योजना के अंतर्गत सभी किसान जिनके पास कृषि योग्य भूमि है अथवा बटाई से खेती करते हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत एक लिस्ट जारी की जाएगी, जैसे लिस्ट आएगी उसकी जानकारी हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे, जिसमें फसलों के दामों के बारे में विवरण जो है सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। भविष्य निकट में सरकार द्वारा इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किया जाएगा और हेल्पलाइन नंबर भी, इसके बारे में भी आपको हमारे चैनल पर जानकारी सबसे पहले उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए दोस्तों, आप जल्द से जल्द इस वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में बेल या घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, ताकि जैसे कोई भी अपडेट आए इस योजना के बारे में आप हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले देख पाए। और जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब द्वितीय चरण में भूमिहीन किसान मजदूरों को भी किया जा सकता है शामिल, यानी कि जिनके पास जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, उन लोगों को भी द्वितीय चरण में शामिल करने का फैसला जो है यहाँ पे लिया जा चुका है, लिया जा सकता है। इसके ऊपर प्रस्ताव जो है अनुमोदन करने की प्रस्तुति जो है करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही दूसरे चरण में किन किन को शामिल किया जाएगा इसके बारे में भी हम आपको अवगत करा देंगे। तो आप बेझिझक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।